नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार पंडित आपका यूट्यूब चैनल इंटरनेट से सीखो में आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बिहार पुलिस परीक्षा 2020 का जो नेक्स्ट टाइम डेट जो था आपका 20 तारीख का जो एग्ज़ाम स्थगित हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उनका जो है डेट जारी हो चुका है और कौन से तारीख में इसकी एग्ज़ाम है मैं आपको पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे। जैसा कि आप हमारे थंबनेल में देख सकते हैं कि बिहार पुलिस परीक्षा 2020 नेक्स्ट टाइम डेट टेंटेटिव डेट कब होगी स्थगित परीक्षा, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको अब लिए चलता हूँ इसकी जो निकली हुई आज की खबर में है, इसकी न्यूज़ जो कि पेपर में पेपर से कटिंग लिया गया न्यूज़ है, मैं आप लोगों तक वो शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर देंगे ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हर नोटिफिकेशन की जानकारी आपको सबसे पहले पल पल पा सकेंगे। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ उसके न्यूज़ पे। और न्यूज़ पे ले जाने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूँगा जो कि अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बिहार की नई भर्ती जो कि बिहार अपकमिंग वैकेंसी है, जो कि 5395 पोस्ट पर इसकी वैकेंसी आने वाली है और हो रही है। तो इसमें मैंने सारी जानकारी बताया हुआ है कि किस तरह से उसे NCS पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद क्या प्रोसेस है मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। और दोस्तों, जो CTET एग्ज़ाम 2020 का है जो कि जुलाई में इसकी एग्ज़ाम होने वाली है, इसका भी लिंक एक्टिवेट हो चुका है। अगर आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आप लोग इस CTET एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपना आवेदन दे सकते हैं। और केंद्र सरकार की नई भर्ती है जो कि 7 लाख पदों पर सीधी भर्ती है, मैंने इस वीडियो में सारी जानकारियाँ दी गई है। और दोस्तों, पंचायती राज बहाली में भी जो है क्या अपडेट्स है, ग्रुप डिस्कशन का है, इंटरव्यू का प्रोसेस क्या है, मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे। और दोस्तों, मैं अब आपको लिए चलता हूँ उसके जो नोटिफिकेशन है उस नोटिफिकेशन पे आपको लिए चलता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो कि अब 8 मार्च को होगी सिपाही बहाली कि स्थगित परीक्षा जो है, तैयारियां पूरी तेज से चल रही है, जो कि लाइव सिटीज के पेपर पे दिया गया था, जो कि बिहार पुलिस के लिए होने वाली सिपाही बहाली की परीक्षा अब 8 मार्च को होगी और दूसरे चरण की यह परीक्षा तय कर ली गई है, नई तारीख पर ही हो। इसके लिए केंद्र चयन पर्षद सिपाही भर्ती की तरफ से कवायद तेज कर ली गई है और केंद्र परीक्षा केंद्र और आवासन जो है उपलब्ध कराने के लिए 21 जनवरी को पार्षद ने के अध्यक्ष KS द्विवेदी की तरफ से एक लेटर विभाग बिहार के सभी जिले के DM को लिखा गया है। और लेटर के जरिए KS द्विवेदी ने कहा है कि सिपाही बहाली के लिए परीक्षा पहले 20 को होनी थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से यह कैंसिल कर दिया गया था। सिपाही पद के लिए परीक्षा की नई तारीख जो है 8 मार्च दी गई है और इस जितने भी परीक्षा केंद्र व आवासन की व्यवस्था 20 जनवरी को होने वाली परीक्षा के लिए की गई थी उतनी ही तैयारी जो है 8 मार्च को होने के लिए जो है लिए जाएंगे। और सभी राज्य के जितने भी राज्य के सभी DM हैं उनके केंद्र चयन पार्षद के आवासन की क्षमता के साथ सभी परीक्षा केंद्र की जो है पूरी लिस्ट सौंपने को कहा गया है ताकि जो है समय समय पर समय रहते जो है परीक्षा की सारी तैयारी जो है पूरी की जा सके। और गौरतलब है कि परीक्षा जो है 6 लाख से अधिक कैंडिडेट्स को शामिल होना है जबकि सिपाही बहाली की जो 11,880 पदों पर जो है बहाली होनी है। तो दोस्तों, यह जो तय कर दिया गया है कि 8 मार्च को ही इसकी एग्ज़ाम ले ली जाएगी और यही जो है होना ही चाहिए और किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं होगी, जो कि 8 मार्च को ही इसकी एग्ज़ाम होने की संभावना दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और इतना शेयर करेंगे ताकि जो भी कैंडिडेट्स 20 तारीख की जो स्थगित परीक्षा का कैंडिडेट हैं वो अपना जो है 8 मार्च को एग्ज़ाम दे सके। सो दोस्तों, हमारा इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का धन्यवाद।